फ्रॉम चोसे, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। मुंबई टू लद्दाख राइड का 10वें दिन में आपके जो है स्वागत है। जैसा कि हम लोग रुके थे मेरठ में और अभी सुबह के जो है 7:30 बज गए हैं और हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। बैकपैक हो गया है। ओके, सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो बैक पैकिंग के लिए, जब हम आते हैं सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, पैक करके उसको बाइक पर लगाना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो धूप बहुत तेज़ है, सुबह का टाइम है 7:30-8 बजे भी यहाँ पे जो है सूरज ऐसे स्ट्रेट किरने जो है छोड़ देता है यहाँ तक। सो हम लोग रुके थे मेरठ में और ये कुछ नज़ारा है आजू बाजू का। ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे हम लोग रुके थे और ये पीछे की तरफ देख सकते हो, ये पेंगोंग लेक, ये जो दिख रहा है ये पेंगोंग लेक है। और ऊपर भी दिखा देता, ऊपर जो है बर्फीले पहाड़। ओके, सो यहाँ पे रुकने का यही अच्छा फ़ायदा है जब आप होम स्टे लेते हो। और कल यहाँ का टेम्परेचर बहुत शायद से माइनस में गया होगा, नेटवर्क तो है नहीं। हम लोग जहाँ पे रुके थे इसके पहले, वहाँ पे 3 और 4 का जो था उसके दुगना यहाँ पे जो ठंड थी, तो श्योर है कि माइनस में ही चला गया होगा। मैं तो ये सोच के ये कर रहा हूँ कि जो लोग जो आए थे टूरिस्ट और रुके थे पेंगोंग लेक, उनकी क्या हालत हो गई होगी। हम लोग होम स्टे में 4 दीवारों के बीच में रह रहे थे और डबल डबल कंबल लेके जो सो रहे थे विथ सारे लाइनर्स, थर्मल लाइनर्स, फिर भी जो ठंड लग रही थी, सोच सकते हो तो उनकी हालत क्या हो गई होगी। सो अगर आप ये आपके लिए एक ये है कि अगर आप आते हो पेंगोंग लेक, अगर वहाँ पे स्टे करने हो तो आप में थोड़ी सी हिम्मत रखना, ठंड से बचने के लिए कुछ तो जुगाड़ करते रहना। ओके, सो अभी यहाँ से हमारा जो प्लान है हानले जाने का, यहाँ से हानले 145 है, रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग रहेगा अराउंड 30-45 किलोमीटर। उसके बाद जो अच्छा रास्ता मिलेगा, जो ले टू हानले वाला जो है रास्ता हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हानले क्यों जा रहे हैं उसके पीछे का रीज़न जो है, जाने वाले है उमलिंगला पास, जो कि है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसकी हाइट अराउंड 19,000 के ऊपर है। सो कन्फर्म वहाँ पर जाके करेंगे, अभी नेट नहीं चल रहे, बाकी सब है डिटेल्स मेरे पास, लेकिन फिर भी क्या होता है हम लोग बताते अलग है, वहाँ पे लिखा होता है अलग है। जो 2-3 फीट भी अगर गलत आया तो आप कमेंट करोगे कि इतना है, आपने इतना बताया। सो बेटर है जो फ़ोटो में दिखेगा वही आपको बताऊंगा। सो चलो, बैकपैकिंग हो गई है, आप देख रहे हो ये इसके अंदर 3 जो है 2 थर्मल लाइनर और 1 टी शर्ट्स है, फिर भी जो है ठंड है और हाथ सिकुड़ रहे। सुबह का मौसम है, उधर से तेज़ कड़ाड़ी ऐसी धूप आ रही है चेहरे पर, फिर भी जो है ठंड है। सो लेट्स गो, सो गाइस रेडी टू मूव। टाइम हो गया 8:47, ट्रिप को कर देते हैं 0। कल जो हमने 193 किलोमीटर चलाई फ्रॉम डिस्किट टू पेंगोंग लेक, सुबह सुबह देख रहा हूँ तो ऑयल की लेवल थोड़ी सी कम दिख रही है, मतलब दिख ही नहीं रही है। अभी ऐसे टाइम में ऑयल का हाथ ढूंढे, ये इशू एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, लेवल इतनी कम, मतलब ऑयल जल गया है। आई थिंक गलती कर दी, मोटुल से शिफ्ट होके कैस्ट्रॉल पे, ओ बहुत शायद पतला होगा इसलिए जलता होगा, मोटुल भी ठीक था। अभी देखते हैं कहाँ कुछ बाइक वाला मिलेगा तो ऑयल कैन लेके थोड़ा सा टॉप अप कर लेते हैं, क्योंकि लेवल लो के भी नीचे है, क्रॉस करके भी जो है नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा क्रॉस करने के बाद दिख रही, मतलब एकदम एंड पे आ गई है। सो बहुत ज़्यादा ऑयल जल रहा है, अभी 3,000-3,500 किलोमीटर पे इतना अगर जलेगा आगे की जर्नी कैसी कंप्लीट होगी। तभी भी मैंने जो कम से कम 1400 एम एल ऑयल डाला था, कंपनी 1200 ही बोलती है, मैंने 1400-1200 था, मुझे पता है ऑयल बर्न का होते रहेगा। ये वाटर क्रॉसिंग जिसकी हमें जो है तलाश थी, अभी अच्छी तरह से निकल जाए बस। ओके, हाँ बीच में ज़्यादा पानी है,
निकालना है और क्या है भगवान संभाल के पैर जो है भीग गए ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसा लग रहा है बर्फ में से फ्रीजर में से बर्फ निकाल और पैर पे डाल दिया है। सो यहाँ पे बोर्ड लगा है भारत और तिब्बत की जो सीमा कंस्ट्रक्शन हमें जाना है आगे जो है चुसुल और चुसुल जो है 15 किलोमीटर है इस तरफ खांगपुंग और रेजांगला जो है रेजांगला वहाँ पे शायद वॉर मेमोरियल है रेजांगला में वो देखना है। तो गाइस हम लोग आए इस रास्ते से और यहाँ पे चुसुल करके एक छोटा सा पोस्टर है और मे भी रहेगा कि नहीं पता नहीं बट यहाँ से दो रास्ते जाते हैं तो आपको इस रास्ते से नहीं जाना है लेफ्ट की तरफ जाना है ये ध्यान रखो ये तो शायद कभी गिरेगा नहीं और वो जो दिख रहे हो तो हमें लेफ्ट की तरफ से जाना है ओके। इसलिए मैंने रुका और आपको बताया देखो ये दो बाइकर्स जो आ रहे हैं वहाँ से यहाँ से आएंगे फिर यहाँ से आपको दो शेप मिलेंगे दो रास्ते मिलेंगे जहाँ से आपको लेफ्ट लेना है ये ध्यान रखना ये जो पिंजरा बना के रखा है वो। हम लोग इस सामने के रूट से आए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था सो इस तरफ जो है लिखा है रेजिंगला ओके सो रेजिंगला ये जो छोटा बोर्ड पे लिखा है वहाँ पे बड़े बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है चुसुल लिखा है तारा लिखा है। सो हम लोग अभी इस रोड से जा रहे तारा की ओर और चुसुल चौकी 6 किलोमीटर 6 मीटर है देखते हैं अगर सही रहेगा तो ये आपको दिखता होगा अगर गलत रहेगा तो नहीं दिखेगा फिर रिटर्न आएंगे। और रेजिंगला में वॉर मेमोरियल है और यहाँ पे जो है सीमा पे अपने भारत के और तिब्बत के दोनों सैनिक जो है होते हैं ये तिब्बत इंडिया तिब्बत जो सीमा है ये रेजिंगला मेमोरियल जो है 10 किलोमीटर है सो ये जो है 18 नवंबर 2021 में मतलब गए साल ही जो है ओपन हुआ है राजनाथ सिंह जो है आए थे यहाँ पे इस वॉर मेमोरियल को ओपन करने के लिए देख सकते हो बहुत ही शांत एरिया है बहुत ही अच्छा और वेल मेंटेन है। और ये रहा सामने हमारे रेजांगला मेमोरियल और हाँ यहाँ पे जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों अलाउड है। सो पहले हमने कंफर्म किया पूछा अपने जवानों से वो बोले कि अलाउड है आप कर सकते हो। थोड़ी सी सांस फूलती है क्योंकि हम लोग अराउंड 15,000 फीट पे हैं। जवान इस रेजांगला पे जो शहीद हुए उनके जो अंतिम संस्कार हुए वो यहीं पे ये जो है स्मारक बनाया है। यहाँ पे जो है जैसे कि बताया गया है वहाँ पे हमें कि 114 जवान जो शहीद हुए थे इस रेजांगला के वॉर में जो कि चाइना के साथ हुई थी। और वो ऊपर जो दिख रही है काली पहाड़ियाँ ये यहाँ जब आप आओगे तो दिख जाएगी उसके बाजू में जो है वहाँ पे जो वॉर हुआ था और ये वॉर मेमोरियल जो है यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से आपको उधर इंडिया और चाइना की जो है बॉर्डर LAC भी देखने मिलेगी जहाँ पे अपने इंडियन सैनिक की जो पोस्टिंग और वहाँ पे चाइना की तो सारे मेजर और सारे सैनिक जो थे उनके नाम जो है वहाँ पे लिखे गए हैं। और एक जो मेजर थे सैतान सिंह उनका भी नाम जो है ऊपर है सारी पोस्ट जो उनकी थी जो भी पोस्ट उनकी थी वो भी सारी डिटेल जो है यहाँ पर दे दी गई है तो आप आके जो है विज़िट कर सकते हो।
ये चुसुल से जो है अंदर 14-15 किलोमीटर अंदर है, पूरा ऑफ रोडिंग है। सो जब आओगे तो ज़रूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए मत आना, ये अपने सैनिकों ने जो अपने लिए बलिदान दिया है उनकी याद में जो है यहाँ पे ये स्मारक बनाए जाते हैं, इसलिए हम लोग विजिट करते हैं। यहाँ पे 2 घंटे गुजारे, बहुत कुछ देखा। गैलरी है वहाँ पे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे कैंटीन भी है, अगर आपको भूख लगी कुछ खाना होगा तो वो भी, उसका भी आप जो है आनंद ले सकते हो। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स हानले, और हानले में हमारा जो आज का स्टे होगा